मैं इस वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ, T3 पे। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है काठमांडू की, विस्तारा की। थोड़ी दिक्कत हुई है, आप लोग अगर आ रहे हैं तो अपने साथ कंप्लीट उस पर जाइए। और जब आप जाते हैं इमिग्रेशन के लिए तो वहाँ एक मैनुअल का काउंटर है, आप उस मैनुअल काउंटर पर जाइएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप वोटर आईडी से जा रहे हैं या तो आधार कार्ड को भी मान्यता है। सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ और ध्यान में रखिए, पैसे बाहर से निकाल के लाइएगा। एयरपोर्ट के अंदर इनसाइड जाते वक्त कोई भी एटीएम नहीं है, और इमिग्रेशन वाले सीधे से सवाल पूछेंगे, आप अकड़ोगे तो आपसे वैसे सवाल करेंगे। एनीवे, चलिए आप लोगों से मुलाकात होती है त्रिभुवन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद। और हाँ, आपसे बता दूं, मेरा ये ब्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं नाइट लाइफ वगैरह नहीं दिखाने वाला हूँ, दैट इज़ नॉट माई काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं आपको दिखाऊंगा जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए काठमांडू ट्रेवल करने से पहले, कौन से एटीएम वर्क करते हैं, कौन से सिम कार्ड वर्क करते हैं, कहाँ जाना चाहिए, क्या फेयर है, कौन से ऐप्स अच्छे हैं। विस्तारा की जो फ्लाइट्स हैं वो मोस्टली 4 या 4A के थ्रू से ही जाएंगी, और बाकी यहाँ पे आपको ये अच्छी खासी शॉप्स दिख जाएंगी। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस गेट के पास दिल्ली ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब कुछ है, इधर से आए हैं। चलिए, और एक और बात, अगर आपका 4A है, विस्तारा से आप सफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, जो बहुत काफ़ी नीचे आने की बात है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। बाकी आप लोगों से मिलते हैं त्रिभुवन एयरपोर्ट पे, तब तक के लिए ये अपना हवाई जहाज़ है, ये थोड़ी देर के बाद यहाँ से ट्राई करेगा। इमिग्रेशन हेल्प डेस्क है, फिर एक अगर आप देखिए यहाँ पे आगे तो वीज़ा फ्री काउंटर है, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक। आप यहाँ से आते हैं तो इंडियन लोगों को, ये इंडियन सिटीजन्स को सामने जाना है इस वाले रास्ते पे, वो वाला कॉर्नर जो है वो फॉरनर्स के लिए है। मैं त्रिभुवन एयरपोर्ट पर पहुँच गया हूँ, और यहाँ से अब मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ। इमिग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था। जैसे ही आप इमिग्रेशन से बाहर एग्जिट की तरफ आते हैं तो पहले आपको ये हाई नेपाल प्राइवेट लिमिटेड हाई सिम कार्ड का काउंटर है, फिर ये प्रीपेड का काउंटर है, फिर ये तीन मनी एक्सचेंज है, इतनी चीज़ें यहाँ पर। इस वाले गेट से बाहर आते हैं तो यहाँ पर मनी एक्सचेंज और सिम कार्ड का है। इसमें भी मैंने अपना SBI का कार्ड डाला और एक्सेस का, कोई भी एक्सेप्ट। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो ATM है इसमें ही निकला है, मगर क्रेडिट कार्ड से निकला है, वो भी बजाज के। 15 साल के बाद ये तरक्की है, ये पहले बहुत छोटा सा हुआ करता था। अब आप इस एयरपोर्ट को देखिए, अब ये एयरपोर्ट जो लोग पुराने आए हैं पहचान नहीं पाएंगे, इतना बदल गया है। बहुत जल्दी मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी आपके ब्लॉग के साथ। चलिए, प्रॉमिस था। ये एयरपोर्ट से निकलने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, यहाँ एक ये मार्केट है आपकी, यहाँ पे टैक्सी थोड़ी महंगी मिलेगी, मगर अगर आप वो बीच के दरवाजे से बाहर जाते हैं तो मेरे ख्याल से शहर के लिए बहुत करीब पड़ेगा। यहाँ से होटल के लिए 500 में मेरा चार्ज हुआ है आराम से। मेरा चैनल है यूट्यूब पे नोमाड अली के नाम से। मैं तो मायने नहीं रहा वाला, मायने नहीं गोविंदा करके। ओ
गोविंदा जी, नाइस टू मीट यू। और यहाँ है हमारा नेपाली खाना, ऑर्डर की नेपाली थाली। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत खाना है। ये वेजिटेरियन है मगर बहुत ही अच्छा। इस तरह हमारा ये पहला दिन ख़त्म हुआ। मैं एयरपोर्ट दिल्ली से और एयरपोर्ट काठमांडू तक पहुँचा, और मेन बात ये कि मैंने जैसा कहा था कि इसमें कौन कौन से कार्ड चलेंगे, तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो हैं उनमें वैरायटी है, वो भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड में या SBI का ATM अगर आप लोकेट करते हैं वहाँ मिलेगा। इसके अलावा पठायो करके इनका एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, उससे बहुत मदद आपको मिलने वाली है। और इन ड्राइवर भी अगर आपके पास है तो यहाँ आप बाहर निकल के कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास इक्वल इंडियन मनी है, जैसे कि 100 रुपीज़ का नोट एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, तो यहाँ आप सिम ले सकते हो, अदरवाइज़ आप पैसे निकालोगे और उसके बाद सिम लोगे। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और हाँ, चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि सिम जो है वो यहाँ पर सबसे अच्छी एनसेल की समझी जाती है, जो नेपाल का लीडिंग ब्रांड है मोबाइल में।